हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी एयरफोर्स अग्निवीर वायु 1/2024 नोटिफिकेशन आपके रिलीज कर दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में हम तो डिटेल में जान लेते हैं, पर फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका इंडियन एयरफोर्स IAF है। पोस्ट नेम आपका एयरफोर्स अग्निवीर है। एडवर्टाइज जो नंबर है वो आपके अग्निवीर वायु इंटेक 01/2024 है। वैकेंसी आपकी अराउंड 3500 पोस्ट है। सैलरी पे स्केल है वो आपकी 30,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है, प्लस में ऑल अलाउंसेज है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया है। कैटेगरी आपकी एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी अग्निपथ vayu.cadet.in है। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी ऑल कैंडिडेट्स की आपकी 250 रुपए है और मोड ऑफ आपके पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ बात करें तो आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है वो आपकी 11 जुलाई 2023 है। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग फॉर्म डेट है वो आपकी 27 जुलाई 2023 है और आपकी जो अप्लाई डेट है वो आपकी 17 अगस्त 2023 है। इसमें आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी 13 अक्टूबर 2023 है। इसमें पोस्ट डिटेल है, एलिजिबिलिटी है एंड क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी 17/5 से आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। बॉर्न आपका जो है वो आपका 27 जून 2003 से आपका 27 दिसंबर 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। पोस्ट डिटेल है, एलिजिबिलिटी है एंड क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी 17/5 से आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। जो बॉर्न है आपका वो आपका 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। आपकी यहाँ पे जो पोस्ट नेम है, वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो एयरफोर्स अग्निवीर आपकी पोस्ट का नेम है। वैकेंसी आपकी अराउंड 3500 आपकी पोस्ट है और आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th/diploma/ आपके 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपने किया होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पे CASB होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होगा, फिर आपका यहाँ पे टेबली टेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होगा। तो एयरफोर्स अग्निवीर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका PST एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT में आपकी जो हाइट है वो आपकी 152.5 cm होनी चाहिए, चेस्ट 5 cm होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT होगा जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर रन आपकी कंप्लीट आपको 6:30 में आपको कंप्लीट करनी होगी और यहाँ पे आपको कंप्लीट 10 पुशअप 10 सिटअप और 20 स्क्वाट आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे जो एग्जाम है उसका पैटर्न है, सिलेबस हम देख लेते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में आपके टोटल ड्यूरिंग जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका 16 मिनट का होने वाला है। कंपेयर इंग्लिश में और जी मैथमेटिकल एज पर 10+2 CBSE सिलेबस इसका आपका आएगा। इसमें आपके अदर जो रैन साइंस सब्जेक्ट है इसमें आपके टोटल ड्यूरिंग जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका 45 मिनट आपका कंपेरिजन इंग्लिश एंड आपका 12th आपकी 10+2 यानी कि CBSE सिलेबस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस RAGA के आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के आपके जो टोटल आपका ड्यूरिंग टाइम है वो आपका 85 मिनट आपका रहने वाला है और यहाँ पे आपके कंपेयर इंग्लिश में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पर आपके 10+2 CBSE सिलेबस और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस RAGA के आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपके जो मार्किंग पैटर्न है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो आपका यहाँ 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर का रहने वाला है और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसका आपका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ईच रॉन्ग की। तो फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट
एयरफोर्स अग्निवीर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।